धान के बीज के उपचार के लिए सबसे पहले हमें नमक का घोल बनाना चाहिए, जो 10% का घोल बनाते हैं, यानी 20 लीटर पानी अगर हमने लिया तो उसमें 2 किलो नमक हम डालते हैं और घोल बनाने के बाद उसमें हम धान का बीज रख डाल देते हैं पानी में। इसके बाद जो हल्का बीज होगा या खरपतवार के बीज होंगे वो सब ऊपर आ जाएंगे और उनको हटा दें, और जो स्वस्थ बीज नीचे हमारे मोटा बीज भारी बीज बचा है उसको अलग निकाल लें। फिर इस बीज की 2-3 बार साफ पानी से धुलाई करें ताकि उसमें नमक के अवशेष ना रह जाएं। नमक के अवशेष रहने पर फिर उसमें अंकुरण वगैरह में समस्या आती है। इसके अलावा हम फफूंदनाशी और जीवाणुनाशी से भी बीज का उपचार करते हैं। इसमें हम 10 लीटर जैसे पानी है उसमें 10 ग्राम बाविस्टीन और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये दोनों दवाई हम मिला दें और आवश्यकता अनुसार घोल बना लें। फिर इस घोल में हमें जो बीज हमने छांटा हुआ बीज है उस बीज को इस घोल में रख दें 24 घंटे के लिए। 24 घंटे रखने के बाद फिर इस बीज को हम पानी से निकाल लें और उसको किसी टाट के बोरे पर डाल दें और उसके ऊपर एक बोरा और डाल दें और किसी छायादार स्थान पर ही इसे रखना चाहिए। फिर इसमें पानी छिड़कते रहें और इसको करीब 24 से 36 घंटे ऐसे ही रहना दें और ध्यान रहे कि ये बीज हमें हमेशा नमी बनी रहे। फिर इसमें धीरे धीरे जड़ें निकलने लगेंगी और ये बीज जो है हमारा बुआई के लिए तैयार हो जाता है। देखिए, जो धान का 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र है जिससे कि 1 हेक्टर एरिया की रोपाई हो सकती है, तो इसमें हम करीब 700 से 800 किलो गोबर की गली सड़ी खाद का प्रयोग करें। इसके अलावा 8 से 12 किलोग्राम यूरिया और 15 से 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 5 से 6 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 2 से 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जिसमें 21% जिंक होता है, इन उर्वरकों का और खादों का प्रयोग करें। और ये जब हम अंतिम जुताई करते हैं उस समय हमें इसे खेत में मिला देना चाहिए।